हेलो दोस्तों, आज मैं आ गई हूँ फिर से एक नई रेसिपी के साथ। और आज का हमारा यह रेसिपी मीठा पुलाव की है। इसे बंगला में बासंती पुलाव कहते हैं। खाने में बहुत टेस्टी होती है। दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि मेरे वीडियोज़ आपको मिलती रहें। बासंती मीठा पुलाव को आप किसी भी ओकेजन फेस्टिवल में बनाकर खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगती है, रेसिपी भी बहुत ईजी है और बहुत ही जल्दी बन भी जाएगी। तो चलिए हम लोग बासंती मीठा पुलाव को बनाना सीख लेते हैं। दोस्तों, हमें मीठा पुलाव बनाने के लिए चाहिए गोविंद भोग चावल। आप इसे किराने के दुकान पर या ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। अगर आपको यह चावल ना मिले तो आप बासमती चावल से भी इसे बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 कप गोविंद भोग चावल लिया है। तो सबसे पहले हमें करना ये है कि इस चावल को हमें 1 घंटा तक पानी में भिगो कर रखना है। उसके बाद पानी से छान कर इसे एक कपड़े पर फैला देना है और फैन के नीचे इसे सूखा कर लेना। जब चावल अच्छी तरह से सूख जाए तो यह चावल पुलाव बनाने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग एक नज़र मसाले की तरफ देख लेते हैं। दोस्तों, हमें मीठा पुलाव बनाने के लिए मसाले में चाहिए थोड़ा सा घी, थोड़े से काजू और किशमिश, 4 टेबलस्पून चीनी, नमक स्वाद अनुसार, हल्दी, और मैंने यहाँ पर कुछ साबुत मसाले लिए हैं। इसमें मैंने 2 तेज़पत्ता, 1 सूखी लाल मिर्च, 2 हरी इलायची, थोड़े से दालचीनी और 4 से 5 लौंग लिए हैं। और हमें चाहिए ग्रेट किया हुआ अदरक। तो चलिए अब हम लोग पुलाव बनाना सीख लेते हैं। मीठा पुलाव बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक बॉल में चावल को डाल देना है और अब इस चावल में हमें मिलाना है 2 टेबलस्पून घी और 1/2 टेबलस्पून हल्दी। और अब हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अब इस घी लगे हल्दी और चावल को हमें 30 मिनट के लिए रख देना है। हमारे चावल को रखे हुए 30 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए अब हम लोग पुलाव को पका लेते हैं। आप इस पुलाव को गहरी और फैली हुई कढ़ाई या पतीला में बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक नॉनस्टिक कढ़ाई लिया है और ये थोड़ा सा गहरा भी है। और सबसे पहले हम गैस के फ्लेम को ऑन कर लेते हैं। कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है और अब हम गैस के फ्लेम को लो पर कर देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून घी, 1 काजू और किशमिश को अब हमें हल्का सा फ्राई कर लेना है। काजू और किशमिश हल्का सा फ्राई हो चुका है और हमारा किशमिश भी एकदम गुब्बारे जैसे फूल गए हैं। और अब हम इसे निकाल लेंगे। इसी घी में अब हम 1/2 टेबलस्पून और घी डालेंगे। घी हमारी गर्म हो चुकी है और अब हम इसमें साबुत मसालों को डाल देंगे। साबुत मसाले हल्के से फ्राई हो चुके हैं और अब हम इसमें ग्रेट किया हुआ अदरक भी डाल देंगे। और अब इसे हमें हल्का सा भून लेना है। मसाले हमारे हल्का सा फ्राई हो चुके हैं और अब हम इसमें चावल को ऐड कर देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और इसे थोड़ा सा चला लेंगे। एक मिनट हमारा हो चुका है और अब हम इसमें फ्राई किए हुए काजू किशमिश को डाल देंगे। और अब हम इसमें 2 कप पानी ऐड करेंगे। पानी मैंने डाल दिया है और अब हमें लो फ्लेम पर 15 मिनट के लिए इसे कुक करना है। दोस्तों, 10 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए अब हम लोग पुलाव को चेक कर लेते हैं। चावल हमारा ऑलमोस्ट कुक हो चुका है और अब हम इसमें चीनी को ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
चावल को अभी हमें 5 मिनट और ढककर कुक कर लेना है। दोस्तों 5 मिनट हमारे हो चुके हैं और अब हम ढक्कन को खोल देते हैं। पुलाव हमारा अच्छे तरह से कुक हो चुका है, बहुत ही सुंदर सा एक स्मेल आ रहा है और अब यह हमारा पुलाव बिल्कुल रेडी हो चुका है। मैं आपको इसे प्लेट में सर्व करके दिखाती हूँ। दोस्तों पुलाव को सर्व करने के लिए मैंने इसे एक बोल में निकाला है और फिर हम इसे एक प्लेट में रखेंगे तो एक सुंदर सा शेप निकल कर आएगा और हमारा मीठा पुलाव दिखने में भी बहुत सुंदर लगेगा। दोस्तों पुलाव हमारा बनकर बिल्कुल रेडी है, दिखने में ये कितना सुंदर लग रहा है, खाने में भी बहुत ही टेस्टी होता है। आप इसे आलू दम, पनीर, चिकन के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह की रेसिपीज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।